औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बीए। इसके अंदर हम जो है वो पोएम्स के क्वेश्चन रीरोड कर रहे थे सोल्ट्री रीपर के, और आज जो उसका क्वेश्चन रीरोड करेंगे वो ये है, व्हाट इम्प्रेशंस एंड फीलिंग्स डू यू शेयर विद द पोएट अबाउट द सोल्ट्री रीपर। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको जो है वो रीरोड करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्स वर्स इज़ अ नोन, जाना जाता है कि है वो प्यार करने वाला फितरत के साथ, ही लव्स द ऑब्जेक्ट्स, वो मोहब्बत करता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर फितरत के ज़राए, सिंसरली यानी मुखलसाना तौर पर, एंड विद द सेंस ऑफ डिवोशन और मोहब्बत के एहसास से, ही हेट्स नफरत करता है शहरी ज़िंदगी को, एंड लाइक पसंद करता है रहना इन द कंपनी सोबत में ग्रीन ट्रीज, सब जो है वो दरख्तों की शाइनिंग चमकदार तारे, रोशनी शावर्स एंड साइलेंट हिल, और खामोश जो है वो चट्टाने, अमंग ह्यूमन बीइंग इंसानों में ही लव कॉमन प्लेस, वो रखता है मोहब्बत आम जगहों से एंड ऑर्डनरी पीपल और आम लोगों से। इट हैपन टू कम क्रोज, मुलाकात होती है अ हाई लैंड गर्ल, शी रीपिंग को काट रही है इन अ कॉर्न फील्ड, एक जो है वो अनाज, एंड सिंगिंग आ रही है सॉन्ग, एक गाना, हर सॉन्ग इसका गाना इज मेलो, ये शीरी है मीठा है एंड स्वीट और खुशगवार। द वैली वादी इज़ पीसफुल, पुर अमन एंड काम सुकून है, यानी कि इसके गाने से पूरी वादी पुर अमन सुकून में हो गई है। हर सॉन्ग इसका गाना डिस्टर्ब्स करता है द साइलेंस मोशी को ऑफ द वैली वादी की। द पोएट इज़ ग्रेटली इम्प्रेस, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ बाई द ब्यूटी खूबसूरती से ऑफ हर सॉन्ग इसके गाने की। ही इज़ लॉस इन इट, वो इसमें गुम हो जाता है। द सॉन्ग इज़ सूथिंग, आरामदा, फर्ज बख्श है इन इट्स अफेक्ट्स अपने असरात में। द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सका द लैंग्वेज बान ऑफ द सॉन्ग गाने की, बट द स्टिल, लेकिन वो बट ही स्टिल इंजॉय इट, लेकिन अभी तक वो जो है वो इसको इंजॉय कर रहा है। द रीडर ऑफ द पोएम, जो पढ़ने वाला पोएम का, इज़ वन विद द पोएट एज रिगार्ड द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग, इट इज़ द ग्रेट क्वालिटी, ये क्वालिटी होती है वर्ड्स वर्थ की पोएट्री शायरी की, दैट ही इस्टेब्लिश उसने वजूद के अंदर लेकर आया, एंड एक जो है वो इंटीमेट गहरा रिलेशन तल्लक विद द रीडर, एक पढ़ने वाले के लिए कारी के लिए। द रीडर टू इंजॉय करता है खूबसूरती को ऑफ हर सॉन्ग्स के गाने की, द साइलेंस खामोशी एंड पीस और सुकून ऑफ द वैली वादी का इम्प्रेस मुतासर करता है द रीडर को ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। द ब्यूटी खूबसूरती ऑफ द गर्ल सॉन्ग, लड़की के गाने की, हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट टेंगल, उसका मुवाजना किया गया है यानी कि बुलबुल के साथ एंड द कुकू कोयल के साथ। द रीडर इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द म्यूजिकल, अब जो पढ़ने वाला जो है वो मुंतकल हो जाता है कि म्यूजिकल एंड जो है वो रोमांटिक वर्ल्ड दुनिया में, ऑफ दीज बर्ड्स इन परिंदों की, विद वर्ड्स वर्थ ही टू शेयर, बांटता है द जो है खुशियाँ ऑफ द गर्ल, लड़की के सॉन्ग नगमे की। आफ्टर रीडिंग पढ़कर द पोएम रजम, वी आर लेफ्ट विद द सेंस ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट, वी लाइक टू सी, हम चाहते हैं देखना द इनोसेंट मासूम मेडन दो शेजा को सिंगिंग गाते हुए इन द ग्रीन फील्ड, सब जो है वो खेतों में, विद द सिकल दराती के साथ इन हर हैंड, अपने हाथ में, एंड कटिंग काटते हुए द क्रॉप फसलें। ये तो था बेटा आज का जो है वो क्वेश्चन, जो मैंने आपको आंसर जो है वो रीड आउट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्ला, अस्सलाम वालेकुम।